दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में 70 का दशक सिल्वर जुबली टाइम माना जाता है, क्योंकि इस दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कई अभिनेताओं ने अपना कदम रखा, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया, अपने अभिनय के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। ये अभिनेता जितने अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहे, उससे ज्यादा इन अभिनेताओं ने अपने लुक्स को लेकर चर्चा बटोरी। क्या आप जानते हैं 70 के दशक में राज करने वाले इन अभिनेताओं के रियल लाइफ बेटे इनसे भी ज्यादा हैंडसम है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन अभिनेताओं से रूबरू करवाएंगे, तो आइए जानते हैं कौन है वो अभिनेता और कौन है इनके हैंडसम बेटे। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का ऐसा नाम जिसके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। अद्भुत व्यक्तित्व, जानदार आवाज, चेहरे पर तेज, इन सभी गुणों के कारण अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात करें इनके बेटे की, तो इनका नाम अभिषेक बच्चन है। ये भी एक अभिनेता है। इन्होंने अपने डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी से किया, लेकिन ये अपने पापा की तरह सक्सेसफुल नहीं बन पाए। लेकिन अगर बात करें दोनों के रिश्ते की, तो ये बाप बेटे कम और दोस्त ज्यादा है। नंबर 4, जितेंद्र। हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपने दमदार एक्टिंग से सभी फिल्मों को हिट किया और अलग पहचान बनाई। अगर बात करें इनके रियल लाइफ बेटे की, तो उनका नाम तुषार कपूर है। ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता है। इन्होंने कई फिल्मों में कई तरह के रोल किए और दर्शकों को हंसाया है। लेकिन अगर बात करें इनके लुक्स की, तो लुक के मामले में काफी स्टाइलिश है, जैसा कि इनकी तस्वीर में आप देख सकते हैं। नंबर 3, ऋषि कपूर। ऋषि कपूर एक अभिनेता और डायरेक्टर हैं। ऐसे दिग्गज अभिनेता जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अगर बात करें इनके बेटे की, तो इनका नाम रणवीर कपूर है। ये भी एक अभिनेता है जिन्होंने अपना डेब्यू सांवरिया फिल्म से किया। दोस्तों आपको बता दें, अपनी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध तो है ही, पर साथ ही साथ निजी जीवन में रोमांस के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर बात करें इनके लुक्स की, तो लुक के मामले में काफी हॉट और डैशिंग नजर आते हैं, जैसे कि इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 2, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना एक ऐसे अभिनेता है, इन्होंने फिल्म में दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर छाप छोड़ी। भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर दर्शक इन्हें आज भी याद करते हैं। अगर बात करें इनके बेटे की, तो इनके दो बेटे हैं, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। ये दोनों ही जाने माने अभिनेता हैं। लेकिन अगर बात करें दोनों के लुक्स की, तो लुक के मामले में काफी स्टाइलिश हैं, जैसे कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नंबर 1, फिरोज खान। फिरोज खान हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। इन्हें फिल्मों में अलग अंदाज किरदारों के लिए जाना जाता है। फिल्मों में इन्होंने दो टाइप्स के रोल किए, कभी हीरो तो कभी खूंखार विलन। लेकिन अफसोस की बात, ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन दर्शक इन्हें इनके किरदारों के लिए आज भी याद करते हैं। अगर बात करें इनके रियल लाइफ बेटे की, तो इनके बेटे का नाम फरदीन खान है। वो भी एक अभिनेता है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान बनाई है। अगर बात करें इनके लुक्स की, तो लुक के मामले में काफी फिट एंड फाइन है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों 70 के दशक के इन अभिनेताओं में किस अभिनेता का बेटा आपको सबसे ज्यादा हैंडसम लगा, कमेंट में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।